तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है और किस तरह से बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है, ये पूरी बात आज ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक मोटर्स कई जगह लगी मिलती है, जैसे कि टुल्लू का पंप पानी चढ़ाने के जो काम आता है। हम मोटर होती है ना, मोटर का मतलब एक घूमने वाला एक्सल। एक्सल मतलब एक रॉड समझ लीजिए जो घूमे, उसके आगे जो भी लगा देंगे वो घुमाने का काम करेगी। तो मोटर हमारे लिए क्या हो गई, ए मोटर इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, साइंटिफिक भाषा में विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। हमने टुल्लू पंप वाली मोटर को बिजली की सप्लाई दी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की, और उसने घुमा के क्या किया, पानी को चढ़ा दिया। तो उसने कौन सा काम दिया, मैकेनिकल काम, पानी को नीचे से ऊपर भेज दिया। ऐसे ही मोटर, सेम लगभग सेम मोटर आपकी वॉशिंग मशीन में लगी हुई है नीचे, तो उसको जब आप बिजली की सप्लाई ऑन करते हैं तो वो रोटेट करता है और कपड़े धुल के देता है आपको, देखा होगा आपने। मिक्सी की मोटर मसाला पीसने के काम में या जो भी काम में लेते हैं, ऑन किया इलेक्ट्रिक सप्लाई से, मैकेनिकल काम जो भी मसाला पीसना है पीस के दे दिया आपको। पॉइंट इज दिस, इन साइंटिफिक कन्वर्सेशन हम क्या बोलते हैं कि मोटर क्या करती है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती। कैसे कन्वर्ट करेगी ये देखेंगे हम लोग, समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल या सिद्धांत क्या है इसका। तो लास्ट टाइम पे जो बात हमने पढ़ी थी वही है। क्या पढ़ा था लास्ट टाइम पे, कि अगर हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स की वजह से वो करंट, वो वहाँ उस फोर्स की वजह से वहाँ से हटना चाहेगा। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है ये हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन उसका डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था हमारे पास। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप जानते हैं, याद दिला रहा हूँ क्योंकि इस्तेमाल करूँगा इसमें। लेफ्ट हैंड निकालना होगा पहले, फिर थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इसको तीनों को 90 डिग्री पे ऐसे रखना होगा, आपको सीख चुके हैं पहले आप। फिर एक ट्रिक बताई थी, फादर मदर चाइल्ड, तो एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड मदर, सी फॉर चाइल्ड एंड करंट। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर फिंगर को रख देते हैं और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, तो उस पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन ये बता देता है, दैट इज़ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसका यूज़ करेंगे आप। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है क्या बन जाता है, व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉयल, वहाँ पे कंडक्टर था, यहाँ रेक्टेंगुलर कॉयल हो गई, चकोर सी एक रेक्टेंगुलर कॉयल, इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास थ्रू इट, ए फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉयल विच रोटेट्स इट्स कॉन्टिन्यूसली। ये प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए। कॉयल क्या होती है, कॉयल सिंपल आप ऐसा समझ लीजिए कि एक फ्रेम ले लें कोई हम लोग, रेक्टेंगुल, जैसे कि जिसमें फ़ोटो मड़ी जाती है, समझ लो फोटो फ्रेम ले लीजिए, और फोटो फ्रेम के ऊपर आप इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटना शुरू कर दीजिए। हम फोटो फ्रेम लकड़ी का होता है तो लकड़ी की कॉयलिंग नहीं करते हैं, नॉर्मली हम लोगों का नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस की कॉयलिंग होती है। एल्यूमिनियम का फ्रेम ले लिया, जैसे नॉन मैग्नेटिक मेटलिक मेटल्स, जो मेटल्स नॉन मैग्नेटिक होते हैं उनका फ्रेम ले लेते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे तार कॉपर वायर लपेट देते हैं। कभी पंखा खुला हुआ देखा होगा तो देखा होगा बहुत सारी कॉयलिंग होती है उसके अंदर, ख़राब हो गया हो कभी पंखा बाय द वे, या किसी मैकेनिक को बनाते देखा हो किसी दुकान वकान पर, कनेक्ट कर पा रहे कुछ, तो इस तरह की कॉयल रहती है, उसमें बहुत सारे टर्न्स कॉपर वायर के, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के लगे होते हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मैंने मतलब बताया था कि एक वायर दूसरे वायर से टच नहीं होता है, जैसे इसमें प्लास्टिक लगी हुई है, इंसुलेशन बोलेंगे, प्लास्टिक तो नहीं बोलना अच्छी वर्ड है, तार है घर वाले, प्लास्टिक लगी है ना, इंसुलेशन, ऐसे इंसुलेशन नहीं होते, हमने बताया था उसके ऊपर वार्निश चढ़ी होती है, आप बताया था लास्ट टाइम पूरी कहानी, कॉपर वायर को वार्निश में डुबो के सिखो लेते हैं, बहुत पतली सी लेयर वार्निश की चढ़ जाती है। वार्निश क्या होता है, फर्नीचर को चमकाने में के काम में आता है, पॉलिश करने के, जो फर्नीचर होता है ना उसको पॉलिश को कर देंगे तो फर्नीचर चमकने लगते हैं, नए जैसे लगते हैं वे, ठीक, तो वैसे इंसुलेशन करते हैं और सिस्टम में डालते हैं। अब इस सिस्टम को बताते हैं, और दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो आपको जानने चाहिए, वो भी इसके अंदर मैंने अलग से लिख दिए हैं, ये कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स
और कार्बन ब्रशेस, इनका काम क्या होता है दो दो लाइन में वो भी मेंशन किया है जिससे आपको तकलीफ ना आवे। अब कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, क्या कंस्ट्रक्शन है, परमानेंट मैग्नेट चाहिए अपने को पहले, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखना है तो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब राजनंदी कोई और नहीं बोलेगा, राजनंदी हम जानते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होगा, हाँ नॉर्थ से साउथ है ना। ये हो गया नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते आए हैं तो बी से लिख दिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये दो मैग्नेट लगे हुए हैं। अब बीच में ये कॉयल है, रेक्टेंगुलर कॉयल, ये एक वायर दिखाई जा रही है लेकिन ऐसी हजारों वायरें होंगी, नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसमें, दिखाई एक गई है, एक पे भी फोर्स लगेगा लेकिन कम लगेगा, तो एक की जगह हजार लग देंगे तो हजार फोर्स लगेंगे और काम बन जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा, तो यहाँ पर ये वायर इंसुलेटेड कॉपर वायर ऐसे घुमा दी गई रेक्टेंगुलर फ्रेम में। अब इसके बाद यहाँ पर ये दो काले काले से रिंग्स दिख रहे हैं जो कि आपस में जुड़े नहीं हैं, तो इनका नाम होता है स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर, कम्यूटेटर को बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स, रिंग्स जो आपस में स्प्लिटेड हों, अलग अलग हों। बड़ी सिंपल सी बात है, आप रिंग ले लीजिए, कोई विशेष बात नहीं है, और इस रिंग में बीच से काट दीजिए, हो गया स्प्लिट रिंग, खेल खत्म। ठीक, ये कुछ वैसे समझिएगा जैसे ऐसे रिंग है, कड़े होते हैं जो मान लो चौड़े वाले, जो आप लोग ब्रेसलेट पहनते हैं, लड़की लोग पहनते हैं, लड़कियाँ पहनती ना फैशन वाली, वैसे समझ लीजिए स्प्लिट रिंग लगा, ऐसे हाथ हमारा है, इतना चौड़ा तो नहीं होगा समझने के लिए, ऐसे लगे हुए हैं स्प्लिट, ठीक है। और इसके बाजू में टच होने वाला क्या है, कार्बन ब्रशेस, ये स्क्रू से टाइट है, जैसे ये स्प्लिट रिंग है तो बाजू में ऐसे कार्बन ब्रश लगा हुआ, इससे टच कर रहा है, ये इसमें वेल्ड नहीं है, जुड़ा नहीं है, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज फिक्स्ड। ये जो हमारी रिंग है, रिंग इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन मूव, रोटेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो लगा हुआ टच होने वाला, ये अपनी जगह फिक्स्ड है, तो जब ये मूव करेगा तो घिसेगा इसके ऊपर, ऐसे ऐसे घूमेगा नहीं है तो घिसेगा ही, इमेजिन हो पा रहा है थोड़ा बहुत। तो ये स्प्लिट रिंग्स लगी होती हैं, ये स्प्लिट रिंग मूवेबल होती हैं, और इस स्प्लिट रिंग के साथ रेक्टेंगुलर कायर के वायर को वेल्ड कर देते हैं, परमानेंट जोड़ देते हैं। तो ये इससे कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया, और ये बाजू में कार्बन ब्रशेस लगी हुई हैं, ये कार्बन ब्रशेस इससे ऐसे जुड़ी होती हैं, एक स्प्रिंग होता है जो इसको टाइट किए रहता है, पीछे से ऐसे धक्का मारे रहता है, क्योंकि ये जब ऐसे लगा हुआ है ना, मान लो ऐसे ऐसे कर दिए, और ये जो घूमेगा बार बार तो घिसेगा ना, ये घिसेगा, कोई चीज़ किसी चीज़ पर रगड़ेंगी तो घिस नहीं जाएगी ये, अरे इसमें भी शक है क्या, तो घिस जाएगी तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर गैप बन जाएगा, इस गैप ना इसलिए पीछे एक वो लगा होता है स्प्रिंग जिसको धक्का मारे रहता है, घिसता जाता है लेकिन इस पर चपा रहता है, कॉन्टेक्ट बनाए रखता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा ये नाटक क्यों किया जा रहा है। तो ये कार्बन ब्रश होती है फिक्स्ड, ये देखिए स्क्रू से फिक्स कर रही है, स्क्रू का निशान है पेच, और इससे कनेक्ट कर दिया है, जैसे कि बैटरी से करंट फ्लो कराने का जुगाड़, ठीक है। अभी सिस्टम आप समझ गए, अभी सिस्टम में ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्सल की दिखा रही है, सेंटर पॉइंट समझ लो आप सीधा, इसे एक्सल बोलते हैं। अब इसके अंदर करंट फ्लो किया हमने, तो बैटरी से करंट जाएगा तो प्लस से माइनस जाता है करंट, ऐसे जाएगा और इस तार से होते हुए ऐसे निकल जाएगा, ये वर्किंग समझ रहे हैं हम लोग, जाएगा ऐसे करंट। अब इस वायर को इमेजिन कीजिए, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी समझना है, इस बी को भूल जाना अभी। अब ये देखिए, अगर ये ऐसे रखा हुआ है, ये मान लीजिए आपका रेक्टेंगुलर कॉयल है, ठीक है, और ये दो ऐसे ऐसे पोल लगे हुए हैं नॉर्थ साउथ, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, ऐसे रखा हुआ है। अब करंट अगर इधर जा रही है, इधर जा रही है ना, देखो अंदर की तरफ, तो अंदर जा रही है और नॉर्थ से साउथ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो लेट अस सी हमारा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो हमने अपना पिस्तौल निकाली और ये उंगली किधर करना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड सीधे था,
अब ये उंगली किधर होनी चाहिए, करंट की तरफ, तो करंट है अंदर की तरफ, तो ऐसे घुमाई देखो, तो फोर्स किधर मिला, नीचे की तरफ। यानी इस वायर पर जो ए बी वायर है इस पे फोर्स कैसा मिलना चाहिए बेटा, ये आप समझ गए, देखा ना आपने भी, इधर डाउनवर्ड मिलेगा। अब आ जाइए, ये जो बी सी आर्म है इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी बात हो गई खत्म। ठीक, अब दूसरे पे आ जाओ, इस सी डी पर, तो सी डी की कहानी फिर वही, ऐसे कॉयल है और करंट आपकी तरफ आ रही है, देखिए उधर से आपकी तरफ आ रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट आपकी तरफ, तो फोर्स किधर, ऊपर, तो ये फोर्स लग गया साहब ऊपर की तरफ, दोनों क्योंकि एक लेंथ सेम है, आई सेम जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो दोनों में एफएफ सेम फोर्स लगेगा, और इस वाले में फिर कोई फोर्स नहीं लगेगा, एडी में एंटी पैरेलल, तो अब इसमें फोर्स इन दोनों में लगा, तो इस कॉयल का होगा क्या, ये देखो इसको ये नीचे दबा रहा है, इसको ये ऊपर दबा रहा है, तो ऐसे ही कॉयल, फिर से पकड़ता हूँ एक बार समझाने के लिए, ऐसे है ना, इसमें नीचे लग रहा था फोर्स और इसमें ऊपर, तो ऐसे घूम जाएगी ना ये, भाई इसको धक्का नीचे मार रही है, उसको धक्का ऊपर मार रही है, तो ऐसे घूमेगी नहीं, है ना, ऐसे घूमेगी। अभी घूमने में ये जो तुम्हारा स्प्लिट रिंग है ये भी ऐसे घूमेगा इस पे, इसी कारण ऐसे घूमेगा ना, घूमेगा, और घूम के क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो कॉयल है ऐसी खड़ी हो जाएगी वर्टिकल, जब वर्टिकल खड़ी हो जाएगी तो उस समय इस पे कोई फोर्स नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है इस समय इस पे कोई फोर्स नहीं लगता। ठीक, अब क्या करेंगे आप उसके बाद, ड्यू टू नहीं, इसलिए फोर्स नहीं लगता कि पैरेलल है, इसलिए लगता है कि करंट बंद हो जाती है यहाँ से, पैरेलल थोड़ी है ये, गैप है ना, तुम लोग भी कुछ भी मतलब, तो ये जो गैप है बीच में खांचा कटा है ना, तो जब ये घूमेगा तो एक बार खांचा इनके बीच में आ जाएगा ना, समझ पा रहे, ऐसे है गैप, ऐसे हुआ तो बीच में गैप आ गया तो डिसकनेक्ट हो गया ना, और जब करंट नहीं फ्लो होती तो फोर्स भी नहीं लगेगा, तो जैसे ही ये सिचुएशन ऐसी आएगी कि खड़ा हुआ उसमें एक डिसकनेक्शन हो गया, तो इसमें करंट फ्लो नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि ये घूम रहा था तो इनर्शिया की वजह से थोड़ा और घूम गया। कोई चीज़ चल रही होती है तो चलती रहना चाहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोके ना उसको, न्यूटन का पहला लॉ 9th क्लास में पढ़े हो, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसी की वजह से भी घूम रहा था तो घूमते रहना चाहेगा जब तक कि बाहर से फोर्स ना लगे, उसी वजह से घूम के थोड़ा सा आगे निकल गया, और जैसे ही आगे से निकला फिर से कनेक्शन हो गया, फिर शुरू हो गया खेल। लेकिन अब जो खेल शुरू हुआ है उसमें ये रिंग्स अदला बदली हो गई, पहले ये था अब घूम के ऐसे था, अब ऐसे करेगा तो वाई ऊपर चली गई, एक्स इधर आ गई, हुई कि नहीं हुई, लेकिन वाई आ जरूर गई लेकिन करंट का डायरेक्शन बदला क्या, नहीं बदला, तो इसलिए जैसे ही आ गई फिर वो घूम जाएगी, इस तरह गुर्र घूमता रहेगा, और इसी एक्सल में जैसे हमने बताया था इसके डंडे में आगे अगर फैन लगा दोगे तो फैन चलने लगेगा, हवा लो उससे गोल गोल घूम रहा है, कोई दूसरा चीज़ लगा दोगे कटर तो मिक्सी बन जाएगी, कपड़े धोने वाला मोटर बनाना है तो वो लगा दिया तो वो घुमाने के, हम काम है घुमाना, घुमा के जो कराना चाहें आप, कुछ अंदाजा लग रहा है क्या हुआ ये, तो ये कहानी इसके अंदर घटित होती है। अब सवाल ये था कि जो कम्यूटेटर था अगर हम जोड़ देते तो पूरा क्या होता, तो अगर आप जोड़ देते हाँ तो यहीं दिक्कत हो जाती, यहीं से शॉर्ट हो जाता ये, अगर यहाँ जोड़ दोगे तो यहीं से करंट पास हो जाएगी, वहाँ क्यों जाएगी फिर, पहली बात इस सिचुएशन में, दूसरा कि हमने यहाँ पर इसका कनेक्शन ऐसे क्यों बना के रखा है, कार्बन पर से टच क्यों कराया है, जोड़ दें वेल्ड कर दें, अगर वेल्ड कर देंगे तो जैसे ही चक्कर मारेगा तार उलझ जाएंगे सारे, तार सिम जुड़े हैं ना तो ये उलझ नहीं जाएगा, सोच पा रहे नहीं, इसलिए तार ना उलझे, वरना 2 चक्कर बाद 3 चक्कर बाद ही मोटर कह देगा हो गया काम मेरा, है ना, ये चीज़ से बचने का तरीका, ये सारे हम लोगों ने दिमाग लड़ाए और उसको सेट कर लिया, अब ये मोटर को ऑन कीजिए बढ़िया चलती है, आगे पानी चढ़ाना हो पानी चढ़ा रहे हैं, पंखा चलाना हो पंखा चला रहे हैं,
मिक्सी में क्या कर रहे हैं, मसाला पीस रहे हैं, तो मसाला पीस हो गया काम। अब ये पूछा जाता है कि जो कम्यूटेटर है स्प्लिट रिंग्स, ये करती क्या है, ये घूमती है, मूवेबल है, तो स्प्लिट रिंग क्या करती है, रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करेंट ए सर्किट एवरी टाइम द कॉयल जस्ट पासेस द वर्टिकल पोजिशन ड्यूरिंग रोटेशन। यानी जब ये चीज़ ऐसे घूमती है तो इस कॉयल में करंट बदल देती है, अभी वाई में लौट रही थी, अब वाई में जाएगी उस समय, जैसे एक ही जगह बना रहे है। समझ पाए हो, अभी इस वाई में करंट आ रही थी ना, जब वो घूम के उधर पहुंचेगा तो वाई में करंट आएगी कि जाएगी, यही कह रहे हैं, रिवर्स द डायरेक्शन। कौन रिवर्स करने के लिए जिम्मेदार है, स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर, इसको याद कर लेना होगा। फिर ये पूछा जाएगा कार्बन ब्रशेस क्या कहते हैं, करते हैं, तो कार्बन ब्रशेस का काम है टू मेक द कॉन्टैक्ट विद द रोटेटिंग रिंग्स, ये जो रोटेटिंग रिंग्स है इनसे हमेशा कॉन्टैक्ट बना के रखना, ऑफ द कम्यूटेटर एंड थ्रू देम टू सप्लाई करंट टू द कॉयल, जिससे करंट कॉयल में जाती रहे। ये पूरी कहानी थी मोटर की और ये ख़त्म हो जाती है इसके साथ।